नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, तो रिजर्वेशन सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए ये संकेत। राजस्थान में चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और बड़ा दाव खेला। जैसे सीएम गहलोत ने राजस्थान में आरक्षण व्यवस्था में बदलाव करने के संकेत दिए हैं। इन दिनों ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस सभी वर्गों के लोग जो है आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वह सभी समाजों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा बढ़ाने और इस व्यवस्था में बदलाव करने की यहां पर जरूरत उसे बताया है। वह इन्होंने कहा है कि किसी भी समाज को आरक्षण के लाभ से वंचित करना ठीक नहीं है। जनसंख्या के लिहाज से उनकी जनसंख्या ज्यादा है तो आरक्षण कोटा बढ़ाकर उस समाज को पूरा हक दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बयान देकर आरक्षण व्यवस्था की गेंद कमीशन के पाले में यहाँ पर डाल दी है। उन्होंने कहा है कि कमीशन को रिव्यू यहाँ पर करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि समाज को आरक्षण पर कितना कोटा यहाँ पर दिया जाना चाहिए। वही मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ जाहिर है कि वो आरक्षण के कोटे को बढ़ाना चाहते हैं। वही सीएम की इस मंशा से आरक्षित समाजों की उम्मीदें जो है वो जगी है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 दिन पहले ही यहाँ पर राजीव गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्होंने मीडिया से बातचीत होकर रहे थे। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले ओबीसी कमीशन इसका यहाँ पर रिव्यू करे और अपनी रिपोर्ट यहाँ पर दे। बात अब कहते हैं अगली खबर की, तो 2000 के नोट बदलने का काम हो चुका है शुरू। राजस्थान में 300 करोड़ के नोट बदले, 500 करोड़ खाता में जमा कराए, कुछ बैंकों में आईडी मांगने की आई है शिकायत। देश भर में कल से यानी मंगलवार से 2000 रुपए के नोट बदलने का काम शुरू हो गया है। रिजर्व बैंक ने इन नोटों को वापस ले लिया है। लोगों को अब इन नोटों को बैंक में यहाँ पर बदलवाने या फिर खाता में जमा कराने के लिए कहा गया है। वह इसके लिए किसी भी तरह की पहचान पत्र की जरूरत यहाँ पर नहीं है। हालांकि 30 सितंबर तक ये समय है, लेकिन पहले दिन ही यहाँ पर लोगों की बड़ी संख्या यहाँ पर देखने को मिली। दरअसल राजस्थान में पहले दिन करीब 300 करोड़ रुपए के नोट बदले गए। 500 करोड़ रुपए के 2000 के नोट खातों में जो है वो जमा कराए गए। वही पीएनबी समेत कई बैंकों ने दोपहर के बाद नोटों को बदलने के लिए आधार आईडी कार्ड और फॉर्म भरने के आदेश को वापस ले लिया। इधर आरबीआई के यहाँ पर जयपुर कार्यालय में यहाँ पर दोपहर 2:30 बजे तक केवल 40 लोगों ने 2000 के नोट बदलवाए। भीड़ कम होने से बैंक के 2 करेंसी काउंटर में एक ही नोट एक्सचेंज का काम यहाँ पर किया गया। इस तरह दूसरे बैंकों की शाखाओं में भी 2000 रुपए का नोट बदलवाने की संख्या कम रही। बात अब कहते हैं अगली खबर की, तब राजस्थान के सभी जिलों में पहुंच चुका है 5G नेटवर्क। जियो ने प्रदेश के 144 शहरों और कस्बों में किया है 5G सेवाओं को शुरू। रिलायंस जियो ट्रू 5G सेवा राजस्थान में अब सभी जिला मुख्यालय पर पहुंच गई है। कंपनी की ट्रू 5G सर्विस अब प्रदेश के 144 शहरों और कस्बों में उपलब्ध हो चुकी है, जिनमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, सीकर, बाड़मेर, भीलवाड़ा जैसे प्रमुख शहर शामिल है। जियो ट्रू 5G नेटवर्क इन शहरों के व्यापारिक केंद्रों के लिए यहाँ पर जो व्यापारिक केंद्र सभी महत्वपूर्ण इलाकों को यहाँ पर कवर करता है। वही 5G लॉन्च के 8 महीनों के भीतर ही यहाँ पर राजस्थान के सभी जिलों में 5G कवरेज तक पहुँचाने के लिए प्रदेश में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जियो ने उपलब्धि हासिल की है। रिलायंस जियो का दावा है कि कंपनी अपनी 5G कवरेज को बढ़ाने का काम बहुत तेजी से कर रही है और जल्द ही यहाँ पर प्रदेश के हर हिस्से को 5G से जोड़ा जाएगा। वही घरों और दफ्तरों में ग्राहकों को शानदार इनडोर कवरेज मिले, इसके लिए कंपनी जो है 700 MHz कि यहाँ पर स्पेक्ट्रम बैंड यहाँ पर इसने खरीदा है। रिलायंस जियो ये प्रीमियम स्पेक्ट्रम खरीदने वाली एकमात्र कंपनी है। वह इस मौके पर जियो के प्रवक्ता ने कहा कि हमें बहुत यहाँ पर खुशी है कि राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जियो विश्व स्तरीय 5G नेटवर्क से जुड़ गए हैं। वही जियो राज्य में यहाँ पर उपयोगकर्ताओं की पहली पसंद बनकर उभरा है। वह 5G राजस्थान के लोगों के लिए पर्यटन और विनिर्माण, MSME और इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा, कृषि संचालन, कृत्रिम और गेमिंग और IT क्षेत्र के विकास की संभावनाएं राजस्थान में से इसमें यहाँ पर बढ़ेगी। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की, तो राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर देखिए। राजस्थान से इन राज्यों में जाने वाले यात्रियों के लिए कुछ खबरें, अब समर स्पेशल ट्रेनों में कन्फर्म मिलेगा टिकट। गर्मियों में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे समर स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर चुका है। इस कड़ी में अब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने जोधपुर की भगत कोठी से कोलकाता के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये नहीं, जयपुर से रेवाड़ी जाने वाले यात्रियों के लिए भी खुशखबरी। दरअसल जयपुर से रेवाड़ी और जयपुर भी रोजाना स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। वही नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के ट्वीट के यहाँ पर मुताबिक भगत की कोठी जोधपुर से यहाँ पर कोलकाता एक तरफा समर स्पेशल ट्रेन जो है 26 मई शुक्रवार को सुबह 6 बजे से रवाना होगी। ये ट्रेन जो है जयपुर रेलवे स्टेशन पर 11:25 तक पहुंचेगी। वही ट्रेन 10 मिनट रुकेगी और फिर 11:35 ये प्रस्थान करेगी। ये ट्रेन शनिवार को 27 मई को शाम 4:20 पर ये कोलकाता पहुंचेगी। बात अब कहते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ हुआ है सक्रिय, अगले 24 घंटों में आंधी बारिश के हैं आसार।
राजस्थान के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया, जिसके कारण दौसा, अलवर और हनुमानगढ़ जिले में कल बारिश हुई। कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई। बारिश के साथ साथ आंधी के कारण कई जगह पर पोल भी गिर गए। वहीं कई जगह पर टीन शेड हिल गई। तो वहीं प्रदेश के अंदर यहां पर बारिश होने के कारण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है। इससे तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा लाधवाला में भी यहाँ पर कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई है। जयपुर मौसम विभाग के जो निदेशक है राधेश्याम शर्मा, उन्होंने बताया कि आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि का दौर जो है वो जारी रहेगा। दरअसल राजस्थान में भीषण गर्मी के बाद अब एक बार फिर मौसम जो है बदला है। एक बार मौसम विभाग का कहना है कि नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो गया, इसका असर प्रदेश में 26 तक रह सकता है। वहीं पश्चिम विक्षोभ के असर के चलते तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि की तीव्रता बढ़ोतरी होगी। इस नए वेदर सिस्टम का सबसे ज्यादा असर जो है आज और कल 2 दिन देखने को मिलेगा। इन 2 दिन इसका असर जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इससे कई इलाकों में आंधी तूफान और बारिश होने की संभावना जताई गई है।